हेलो फ्रेंड्स, आज फिर मैं एक नई रेसिपी के साथ आपका स्वागत करती हूँ सोनल्स डेली फूड में। बहुत ही रिच और डिलीशियस रेसिपी मैं शेयर करूँगी आपके साथ स्टेप बाय स्टेप। ब्रेड से बनी हुई इस रेसिपी को आप घर में बनाएं, घर में आए हुए मेहमानों को स्टार्टर में खिलाएं, बहुत पसंद आएगी, बहुत ही टेस्टी। इस डिलीशियस स्टार्टर को गोल्ड कॉइन कहते हैं, इसमें क्रंच भी बहुत होता है। तो दोस्तों प्लीज़ इसे ट्राई ज़रूर करें और अपनी फीडबैक ज़रूर शेयर करें। तो चलिए इसे हम बनाने स्टार्ट करते हैं। इसको बनाने के लिए सबसे पहले हमें कुछ तैयारियां करनी होंगी। तो चलिए दोस्तों हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैंने 3 मीडियम साइज़ का आलू बॉईल करके मैश कर लिया है। इसके साथ हम इसमें ऐड करेंगे आधी कद्दूकस की हुई गाजर, एक मीडियम साइज का प्याज, स्मॉल साइज की एक पूरी कैप्सिकम, साथ में इसमें मिलाएंगे बारीक कटी हुई धनिया 2 बड़े चम्मच, 2 से 3 बारीक कटा हुआ हरा मिर्च और आधा चम्मच गार्लिक, 1 बड़ा चम्मच कद्दूकस किया हुआ जिंजर, 1/4 चम्मच काली मिर्च, साथ में टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक और 3 बड़े चम्मच यहाँ पे मैं कद्दूकस किया हुआ या क्यूब वाले चीज़ ले रही हूँ। अब इनको हम अच्छे से मिक्स करेंगे और साथ में इसमें मैं अमचूर पाउडर डालना भूल गई थी, तो आधा चम्मच मैं मिक्स करते समय अमचूर पाउडर डालूंगी। इसे अच्छे से मिक्स करके अब हम साइड में रख लेंगे। अगर स्पून से अच्छे से मिक्स ना हो रहे हो तो हाथ से मिक्स कर लीजिए। इस तरीके से अच्छे से मिक्स करके हम इसे साइड में रखेंगे और अब हम चलेंगे अपने नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ। यहाँ पे हम बनाएंगे मैदे का थिक घोल। यहाँ पे मैंने 3 बड़े चम्मच मैदा लिया है और इसमें मिलाएंगे 3 से 4 चम्मच हम पानी। ये थोड़ा सा हमें थिक घोल बनाना है जिससे इसकी हम एक लेयर आलू के ऊपर लगाएंगे। इस तरीके से अच्छे से इसे चलाते हुए इसकी कंसिस्टेंसी पे ज़रूर ध्यान दें, इसको थोड़ा थिक ही रखना है इस तरीके से। अब चलिए अब हम अपने नेक्स्ट प्रोसेस पे चलते हैं। यहाँ पे मैंने ब्रेड की कुछ स्लाइसेस ली हैं, इन्हें हमें कट करना है, बट ग्लास से नहीं करेंगे, ग्लास का ऊपर का पोर्शन छोटा है तो हम यहाँ कटोरी का यूज़ कर रहे हैं। इस तरीके से इसके सेंटर्स को हम काट लेंगे कॉइंस की तरह। अब इसके जो किनारा बच रहा है इससे भी हम एक नई डिश बनाएंगे। या तो इसको इससे आप क्रम्स बना सकते हैं, ब्रेड क्रम्स। किनारों का यूज़ करके मैं एक रेसिपी आपके साथ और शेयर करूँगी इसी वीडियो में। तो मेरे सारे कॉइंस यहाँ रेडी हो गए हैं। इस तरीके से मैंने ब्रेड में सारे कट लगा लिए हैं। अब इन पे हमें अपने आलू के मिक्सचर की स्टफिंग करनी है। आलू के मिक्सचर को इस तरीके से हम अच्छे से ब्रेड के ऊपर एक लेयर की तरह फैला देंगे, अच्छे से चारों तरफ। इस तरीके से ये देख रहे हैं, इस तरीके से हम अपने सारे ब्रेड में स्टफिंग कर लेंगे। अब इस पे हम अपने जो मैदे का घोल बनाए थे, गाढ़ा घोल, मैदे के इस घोल को हम प्रेस के सपोर्ट से आलू की लेयर जो हमने ब्रेड पे लगाई है इसको अच्छे से ढक देंगे। इस तरीके से ब्रश के सपोर्ट से, ये देखिए, अच्छे से हमें चारों तरफ मैदे के एक लेयर बना देनी है, पतली लेयर। पर ध्यान रखना है मैदे का घोल थिक होना चाहिए। अब इस पे हम सफ़ेद तिल डालेंगे। इस तरीके से हम अपने सारे कॉइन्स को रेडी कर लेंगे। बट इसमें एक चीज़ अभी रह गई है, इसके ऊपर हम स्प्रिंकल करेंगे रेड चिली फ्लेक्स। अगर आपको तीखा पसंद है तभी ये स्प्रिंकल करें, अदरवाइज ये टोटल ऑप्शनल है। इस तरीके से रेड कॉइन्स हमारे डीप फ्राई करने के लिए तैयार हैं। अब इन्हें डीप फ्राई करने के लिए यहाँ पे मैंने तेल गरम किया है। तेल को मैंने हाई फ्लेम पे गरम किया था, उसके बाद उस फ्लेम को मैंने मीडियम कर दिया है जिससे कि डीप फ्राई करते समय हमारे कॉइन्स जले नहीं।
इस तरीके से हम कॉइन्स में डाल के अब इसे फोक के सपोर्ट से तेल को इसके ऊपर भी करेंगे इस तरीके से। इसके बाद हम इसे पलटेंगे, पलट के थोड़ी देर बाद हम इसे बाहर निकाल लेंगे। बट यहाँ पे यही ध्यान देना है कि जो हमने मैदे का घोल बनाया था वो थोड़ा थिक होना चाहिए, अदरवाइज़ डीप फ्राई करते समय तेल सारा आलू के अंदर चला जाएगा, जो आलू के मिक्सचर है, फिर मुंह में तेल आएगा काफ़ी। तो इस तरीके से इसे निकाल लें। ये देखिए बहुत ही खूबसूरत आया है, इतना सुंदर ये दिख रहा है, उतना ही टेस्टी होता है ये खाने में। थोड़े से ट्रिक्स के साथ बनाएं, ज़रूर पसंद आएगा। ब्रेड कॉइंस तो हमारे रेडी हो गए हैं, अब चलते हैं हम ब्रेड के बचे हुए किनारों से एक बहुत ही हेल्दी डिश बनाते हैं, बहुत ही कम तेल में, घी में। यहाँ पे मैंने 3/4 कप सूजी लिया है, जितनी सूजी है उतना ही यहाँ पे दही इसमें मिक्स करेंगे। ये देखिए, अगर ज़रूरत पड़ेगी तो थोड़ा सा इसमें पानी मिलाएंगे मिक्स करते समय। इसे मिक्स करके हम 10 से 15 मिनट इसे रख देंगे। सूजी थोड़ी सी फूलती है, उसके लिए मुझे इसे रेस्ट के लिए रखना पड़ेगा। इस तरीके से मिक्स करके हम इसे रेस्ट के लिए रख देंगे जिसे सूजी अच्छे से फूल जाए। तब तक हम अपनी कुछ तैयारियां कर लेते हैं। तो चलिए हम अपने कुछ वेजिटेबल्स चॉप करते हैं। यहाँ पे हम अपनी बारीक कटी हुई सब्जियाँ, एक मीडियम साइज़ का प्याज, एक मीडियम साइज़ का टमाटर और आधी शिमला मिर्च, साथ में आधी कद्दूकस की हुई गाजर, साथ में इसमें ऐड करेंगे 1/2 टेबल स्पून चिली पाउडर और 1/4 टेबल स्पून ब्लैक पेपर। सब्जियां यहाँ पे आप अपनी पसंद की कुछ भी ले सकते हैं, जैसे मटर, पनीर, फ्रेंच बीन्स, कुछ भी। अब इसमें हम ऐड करेंगे स्वाद के अनुसार नमक। इसे ऐड करके अब हम नेक्स्ट प्रोसेस पे चलते हैं। यहाँ पे तवे पे हम हल्का सा ऑयल या घी आप कुछ भी ग्रीस कर सकते हैं। अब इस पे हम जो बचे हुए किनारे हैं उन्हें थोड़ा शेप देके इस तरीके से तवे पे रखेंगे। एक पीस और हम इस पे तवे पे रख लेते हैं ट्रायंगल शेप में इस तरीके से। अब इसके अंदर हम जो सूजी का वेजिटेबल बैटर तैयार किया है वो डालेंगे इस तरीके से, इसके अंदर फिल करें और इसे अब दोनों साइड से हम अच्छे से रोस्ट करेंगे। इस तरीके से आप एक हेल्दी स्नैक्स भी रेडी कर सकते हैं। अब इसे हम पलट देते हैं, पलट के हम, मैं यहाँ सजेस्ट करूँगी आप नॉनस्टिक तवा या नॉनस्टिक पैन ही यूज़ करें, जिससे इसमें बहुत ज़्यादा ऑयल या बहुत ज़्यादा घी लगाने की ज़रूरत ना पड़े। वेजिटेबल टोस्ट हमारा रेडी है, अब इसे आप किसी भी सॉस या ग्रीन चटनी के साथ सर्व करें। अगर दोस्तों आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।